पोर्शन के लिए जो मतलब लेडीज और बच्चों के लिए मतलब अगर जो प्रेग्नेंट लेडीज हो तो क्या कैसे कैसे डाइट प्लान करना चाहिए, क्या चीज़ खानी चाहिए, मतलब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट लें, तो बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंगली मतलब ये सारी चीज़ें उसमें कॉम्बिनेशन में लेनी चाहिए, ये सब उसके लिए वो हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए ये भी बड़ा आपके मतलब नहीं है, हम तो हमारे पास तो हो रहा है 10 से 11 रोज योगा सेशन हो रहा है सुबह। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, मैं डायरेक्टर ऑफ आयुष की तरफ से यहाँ पे एक हम ना एक छोटा सा कैंप लगा रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली ना हमारा जो मेन पर्पस है इस कैंप लगाने का वो है लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाना। हमने कुछ इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए यहाँ पे मेडिसिन का अरेंज किया, साथ में अगर कोई पर्टिकुलर डिजीजेस के लिए भी है, इट्स अ बोथ मतलब इम्यूनिटी बूस्टिंग प्लस हेल्थ कैंप, ताकि लोगों को हम ये भी अवेयर और यहाँ पे अवेयरनेस भी किया जाएगी योगा के रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है कि योगा इज़ द प्राइम इस टाइम सबसे ज़्यादा। सर मैं डॉक्टर रेखा हूँ, यहाँ पे मेडिकल अफसर वार्ड नंबर 10 में हेल्थ वेलनेस सेंटर पार्लियामेंट में हूँ मैं, और आज हमने यहाँ पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिलके एक इम्यूनो बूस्टिंग कैंप का आयोजन किया है वार्ड नंबर 13 में, और हमारा मेन मकसद यही है कि लोग सर स्वस्थ रहें, और यहाँ मेरे साथ योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं अंकुश मोदल जी, वो लोगों को योगा करवा रहे हैं और योगा के बारे में अवगत करवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे 10 से 11 जो डेली योगा सेशन हो रहा है पार्लियामेंट में, वहाँ पे लोग हमसे जुड़ें और योग का फ़ायदा लें। दवाइयाँ बेशक ही इम्यूनो बूस्टिंग है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए खाने के से, ठीक है। सबसे पहले ये दवाई है ना, जो भी ऐसी दवाई होगी ना उसको पानी मिला के पीना है, ठीक है। आपने क्या करना है, 2 चम्मच दवाई लेनी है, 2 ही 4 चम्मच पानी मिक्स करने हैं, और उसको सुबह शाम रोटी के आधे घंटे बाद लेना है, मतलब पानी मिला के ही लेना है इस दवाई को, ऐसे नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद ये चूर्ण है हमारा, ये खांसी जुकाम के लिए है, इसको हमें लेनी है 2 ही 4 चम्मच पानी मिक्स करने हैं, और उसको सुबह शाम रोटी के आधे घंटे बाद लेना है, मतलब पानी मिला के ही लेना है इस दवाई को, ऐसे नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद ये चूर्ण है हमारा, ये खांसी जुकाम के लिए है, इसको हमें शहद के साथ मिक्स करके 1 चम्मच, ठीक है, अपने बच्चों को भी दे सकते हैं जिनको खांसी जुकाम रहता है, गला खराब रहता है, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और खांसी जुकाम को भी ठीक करता है। ये मीठा होता है, कड़वी होती है ना वो बड़ी दवा, तो उसको मीठा कर दिया हमने दवाइयों, तो ये भी सुबह शाम लेना 1 चम्मच, इससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है और खांसी जुकाम बुखार ट्यूबरकुलोसिस ये डॉक्टर साहब मुझे ये लेनी है, नहीं समझा नहीं मुड़िया समझाओ तो काली ऐसे ठीक है, एडिया ने ग्लो वाली दिखी है काली ऐसे शायद, ठीक है, मेरा शुगर अंदर आती थी ये ताकत आस्ते है, ये पानी पिलाइए पी माता जी, आप पार्लियामेंट में आ सकते हो, बड़ी पास है आपके पास, मैं वहाँ बैठी हूँ, आप वहाँ आइए अपना हेल्थ चेकअप करने, वैसे ठीक हो जाना तुम्हें, खांसी है गले है बस दर्द है। हाँ सबसे पहले आज सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने देखा मेरे साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीवन ज्योति जी, जिन्होंने कल मुझे फ़ोन करके यहाँ पर बुलाया था, और आपने देखा अभी डॉक्टर दीपक जी ने और मैडम डॉक्टर आशा जी ने और हमारी जो सोशल वेलफेयर से सॉरी रेखा जी और सोशल वेलफेयर से हमारी बहन शिल्पा जी, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से आयुष की डिपार्टमेंट की तरफ से ये फ्री मेडिकल चेकअप जो कैंप है, तो पिछले दिनों भी आपने देखा हमारे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उनकी मेहनत से हर वार्ड में ऐसे कैंप जो है, और कोरोना में आयुष विभाग की तरफ से बहुत सारे ऐसे मेडिकल कैंप जो है ऑर्गेनाइज कराए गए, और लोगों की जो इम्यूनिटी है उसको किस प्रकार से बढ़ाया गया, ऐसा मोदी जी ने एक आयुष विभाग के माध्यम से ये मेडिसिन जो है सभी को उपलब्ध कराने के लिए कहा था, तो उसी प्रकार से आज इनकी पूरी टीम यहाँ जो हमारा सावन चक्का एरिया है वार्ड नंबर 13 और 14 के लिए आज ये स्पेशल कैंप लगाया गया, और बड़ी संख्या में मातृशक्ति मेरी माताएं बहनें यहाँ पर
पहुंची है। मैं अपनी तरफ से मीडिया के माध्यम से भी आपको भी ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी के प्रयासों से ऐसा सारा संभव हो पाया और आज पूरी टीम आपके घर पर ये मेडिसिन लेके आई है। मोदी जी ने समय समय पर हमारा, मैं कहूँगा कि कोरोना के बीच में आप सबने देखा है कि किस प्रकार से मोदी जी ने इस देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित किया है और ये आयुष विभाग के माध्यम से ऐसा संभव हो पाया। तो मैं अपनी तरफ से आयुष विभाग के जितने भी अधिकारी, डॉक्टर साहब दीपक जी, रेखा जी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो लोग लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की इम्यूनिटी बूस्टर जो मेडिसिन है उनको उपलब्ध कराने के लिए इन्होंने कैंप लगाया है। ऐसे कैंप जो है पिछले दिनों भी चलते रहे हैं और आने वाले समय में भी आप देखेंगे हर वार्ड में, हर मोहल्ले में देखा हमारे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में, उनकी मेहनत से हर वार्ड में ऐसे कैंप जो है। और कोरोना में आयुष विभाग की तरफ से बहुत सारे ऐसे मेडिकल कैंप जो है ऑर्गेनाइज कराए गए और लोगों की जो इम्यूनिटी है उसको किस प्रकार से बढ़ाया गया, ऐसा मोदी जी ने एक आयुष विभाग के माध्यम से ये मेडिसिन जो है सभी को उपलब्ध कराने के लिए कहा था। तो उसी प्रकार से आज इनकी पूरी टीम यहाँ जो हमारा सावन चक्का एरिया है वार्ड नंबर 13 और 14 के लिए आज ये स्पेशल कैंप लगाया गया और बड़ी संख्या में मातृशक्ति मेरी माताएं बहनें यहाँ पर पहुंची हैं। मैं अपनी तरफ से मीडिया के माध्यम से भी आपको भी ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी के प्रयासों से ऐसा सारा संभव हो पाया और आज पूरी टीम आपके घर पर ये मेडिसिन लेके आई है। मोदी जी ने समय समय पर हमारा, मैं कहूँगा कि कोरोना के बीच में आप सबने देखा है कि किस प्रकार से मोदी जी ने इस देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित किया है और ये आयुष विभाग के माध्यम से ऐसा संभव हो पाया। तो मैं अपनी तरफ से आयुष विभाग के जितने भी अधिकारी, डॉक्टर साहब दीपक जी, रेखा जी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो लोग लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की इम्यूनिटी बूस्टर जो मेडिसिन है उनको उपलब्ध कराने के लिए इन्होंने कैंप लगाया है। ऐसे कैंप जो है पिछले दिनों भी चलते रहे हैं और आने वाले समय में भी आप देखेंगे हर वार्ड में, हर मोहल्ले में, हर पंचायत में ऐसे कैंप लगे हुए हैं और जहाँ नहीं लगे हैं तो मैं इनसे ये कहना चाहूँ कि हम लोग ऐसे कैंप जो है ऑर्गेनाइज करें, लोगों को इसका फ़ायदा हो, फ्री मेडिकल चेकअप लोगों का हो, क्या क्या तकलीफें लोगों को है वो सारी जानकारी हो, उसके माध्यम से ये मेडिसिन सब लोगों को उपलब्ध हो, ऐसा इनकी तरफ से किया जाए। मुझे भी पूरा भरोसा है क्योंकि इनकी टीम लगातार कोरोना से ही काम कर रही है। तो आने वाले समय में भी ये बहुत बढ़िया प्रयास करें हमारे समाज को सुरक्षित रखने के लिए, प्रत्येक जो हमारा नागरिक है वो अपने घर में सुरक्षित रहे और उसकी जो हेल्थ है वो बढ़िया रहे, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपके माध्यम से देना चाहूँगा। एक बार फिर से मैं पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्पेशली मेरी बहन जीवन ज्योति जी और हमारे मराठी मोर्चा के प्रेजिडेंट जसप्रीत जी और हमारी जो पूरी टीम इस काम के लिए लगी है मैं इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ऐसे बेहतरीन कार्य जो है समाज के लिए करते रहे, ऐसी शुभकामनाएं मेरी इनके लिए भी है, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से बताया कि हमको ये मेडिसिन किस प्रकार से लेनी है उसकी पूरी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है, तो जो पेशेंट्स यहाँ पर हैं वो एक बार फिर डॉक्टर साहब को चेक करा कर किस प्रकार से हमको ये मेडिसिन लेनी है ये जानकारी ले और ये फ्री मेडिकल जो मेडिसिन है जो मोदी जी की तरफ से उपलब्ध करवाई गई है तो इसका हम लोग उपयोग करें और आने वाले समय में हम लोगों को ज़्यादा स्वस्थ हों और हमारा जो देश है मैं कहूँगा कि एक बेहतर देश बने, सेहत ठीक होगी, हमारा नागरिक यहाँ पर बढ़िया होगा, तंदुरुस्त होगा और पूरा देश जो है हमारा कहीं ना कहीं मैं कहूँगा आने वाले समय में और बेहतर तरीके से इस दुनिया के अंदर अपना कदम और ज़्यादा